और अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, जिसकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्तार भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उस पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों के निशाने पर उसकी काली संपत्ति है। लखनऊ में मुख्तार की संपत्ति के लिए खोजी अभियान चल रहा है। 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। अब मुख्तार के काले साम्राज्य को सामने लाने के लिए नई तैयारी कर ली गई। मुख्तार की संपत्ति के लिए लखनऊ में खोजी अभियान। संपत्ति छिपाएगा मुख्तार तो शिकंजे में आएंगे रिश्तेदार। मांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हर दूसरे दिन एक नया झटका लग रहा है। इस बार मुख्तार की नई टेंशन उसकी संपत्ति है, और बहुत जल्द ये सामने आ जाएगा कि मुख्तार के पास कितनी अवैध संपत्ति है। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ईडी को उसकी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना है। इसी क्रम में ईडी ने एलडीए से मुख्तार की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था। ईडी की तरफ से एलडीए को भेजे गए पत्र में मुख्तार के करीबी 6 लोगों के नाम लिखे थे। पत्र में कहा गया था कि इन 6 लोगों के नाम से बाहुबली मुख्तार ने बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। एलडीए को संपत्तियों की जानकारी जुटाकर ईडी को भेजनी थी। हालांकि करीब 2 हफ्ते बाद भी मुख्तार की एक भी बेनामी संपत्ति ईडी के हाथ नहीं लग सकी। इस मामले में एलडीए के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एलडीए सूत्रों का कहना है कि बताए गए नामों में जो संपत्तियां हैं, वो नगर निगम या तहसील स्तर पर भी हो सकती हैं, इसलिए उनसे भी मदद मांगी गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई से बनाई गई तमाम संपत्तियों का ब्यौरा एलडीए नहीं जुटा पा रहा है। अवैध निर्माण पर एक एक नजर रखने वाले एलडीए को बाहुबली मुख्तार की संपत्तियां ढूंढे नहीं मिल रही हैं। दरअसल ईडी ने करीब 2 हफ्ते पहले एलडीए को एक पत्र लिखा था, और उसमें लिखा था कि मुख्तार और उसके तमाम करीबियों के नाम से अवैध संपत्तियां, बेनामी संपत्तियां बनाई गई हैं, और ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए इन संपत्तियों की जानकारी मांगी थी। हालांकि एलडीए अभी तक किसी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जुटा पाया है। एलडीए ने मुख्तार के नाम से 10 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की हैं, लेकिन ये बाहुबली मुख्तार अंसारी की हैं या मुख्तार नाम के किसी दूसरे शख्स की, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अब एलडीए ने नगर निगम और तहसील प्रशासन को एक पत्र लिखा है, और नगर निगम के दायरे में आने वाली संपत्तियों में मुख्तार अंसारी की सूचियां चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। जेल की सलाखों के पीछे मौजूद मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि मुख्तार की काली कमाई का पूरा पर्दाफाश हो। हर कोई चाहता है कि बाहुबल के दम पर उसने जो अवैध साम्राज्य बनाया, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।